नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। चलिए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। 31 दिसंबर तक बड़ा लॉकडाउन। कोरोना महामारी के मद्देनजर महाराष्ट्र में 31 दिसंबर तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। सरकार ने मिशन बिगेन अगेन के तहत जिन चीजों में छूट दी है उसे बरकरार रखा जाएगा। हालांकि कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की कोई ढील नहीं दी गई है। 5 नवंबर से सरकार ने बाकी जगहों पर कई नियमों से ढील दी थी। इसके तहत सिनेमा हॉल, योग संस्थान, मल्टीप्लेक्स और थिएटरों को खोलने की मंजूरी दी गई थी। वही 16 नवंबर से धार्मिक स्थलों को भी खोल दिया गया है। हालांकि हाल में ही महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए चेतावनी दी थी कि अगर लोगों ने सरकार की गाइडलाइंस का सही ढंग से पालन नहीं किया तो राज्य में फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। वही दूसरी ओर दुर्घटना में 2 लोगों की मौत। सड़क दुर्घटना में युवक सहित 2 लोगों की मौत हो गई। चंद्रमणि नगर निवासी 24 वर्षीय शुभम संजय वानखेड़े 25 नवंबर की रात अपने मित्र के साथ बाइक पर सवार होकर घर जा रहा था। अजनी के जादू महल के पास अज्ञात दुपहिया सवार की टक्कर से शुभम गिर गया। सिर पर चोट आने से उसका मेडिकल में उपचार चल रहा था। उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इसी तरह पारडी निवासी 74 वर्षीय कौशल्य प्रसाद सोनबेरे 9 नवंबर की सुबह को अज्ञात कार ने टक्कर मारकर जख्मी कर दिया। जख्मी होने से उनका निजी अस्पताल में उपचार चल रहा था। उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज किया है। वही तीसरी ओर नाले में डूबने से बालक की मौत। नाले में डूबने से 8 साल के बालक की मौत हो गई। लक्ष्मी नगर कलमना निवासी तुलसी जयाराम निर्मरकर दोपहर 1 बजे शौच के लिए परिसर के नाले में गया था। बताया जाता है कि तुलसी को मिर्गी का दौरा आता था। संदेह है कि दौरा आने से तुलसी नाले में गिर गया। पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। करीब आधा घंटे बाद घटना का पता चला। कलमना पुलिस को सूचना दी गई। हवालदार ललित कुमार ने आकस्मिक मृत का मामला दर्ज किया है। घटना से परिसर में शोक की लहर फैल गई है। फिलहाल अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।